हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें घर में आवाज़ गूंजा करती थी, छन छन छन। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। यह बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी। कुछ समय में अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया था। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से कमरा लूँगा। पता नहीं क्यों जिस दिन हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ, लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीमा कर दिया। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज़ आती हो, जैसे कि छन छन छन। बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन छन छन। यह आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगता था आ रही थी और 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3 से 4 मिनट के बाद फिर से छन छन छन, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती में से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी पापा को भी उठाकर उन्हें सारी बातें बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई परिणीति स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई भी नहीं होता था और आवाज़ भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन छन। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए
बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी तरह से गहरी नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ अपने कमरे में सो गया। ऐसे ही 3 से 4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। बाद में मुझे उस रात की आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का कोई भी समय नक्की नहीं था। कभी भी और कभी कभी वह आवाज़ रात 10 बजे या फिर 10:30 बजे भी आती थी। परंतु एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी नहीं। कभी कभी मैं वह आवाज़ मुझे बहुत ही डरा जाता था। लेकिन हमारी कभी कभी की कुछ भी ख़राब नहीं होना था। 8-9 महीने बाद हमने एक नया फ्लैट मिल गया और उस में हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वह हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनका फैमिली काफ़ी बड़ा था। एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कभी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वहाँ कोई मेरा वहम नहीं हो रहा था। उस अंकल के पूरे परिवार ने वही आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा करवाया। हमने यह बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6-6 आत्माएं रहती थीं। उस बात को 14 वर्ष हो गए और अब मैं बड़ा हो गया। मुझे पता नहीं है कि क्या आज भी वही आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा से आज सब कुछ ठीक है। तो आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। और भूत लोग भी पायल पहनते हैं, कमाल है। चलो ठीक है यार, कुछ भी हो, अपना अपना पसंद है। लेकिन अगर तुम्हें कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। यार तुम लोग व्यूज़ देने में बहुत कंजूसी करते हो, सच में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो। चलो यार व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ तो दो। अब तुम शेयर करोगे तभी तो मेरे व्यूज़ आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे हमारे व्यूज़, बताओ। शेयर करो यार, शेयर करो। चलो ठीक है, चलते हैं। बाय, गुड नाइट, टाटा, स्वीट ड्रीम्स।